नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंडी भरत ब्लॉग्स में। मैं भरत बिष्ट, देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आज हम जो है मल्लिशुणी आए हुए हैं, जहां लाटू जात यात्रा जो ब्यास जाएगी यहां से मल्लिशुणी से होकर, उसमें जो है हम भाग लेने आए हैं या उस यात्रा का हिस्सा बनने आए हैं। तो आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। आज जो यात्रा है मल्लिशुणी से निकलकर ब्यास जो एक जगह पड़ती है जंगल में, एक बुग्याल है, वहां जाके आज रात्रि पूरी यात्रा वहीं रहेगी और कल सुबह दोबारा जो है यात्रा गांव लौटेगी। और इससे पहले कि मैं आपको दूसरे दिन की यात्रा दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको शुणी मल्ली गांव दिखाता हूं। क्योंकि पिछला ब्लॉग खत्म करते करते काफ़ी रात हो गई थी, तो मैं आपको इस गांव की दीदार नहीं करा पाया। अब यह जो गांव आप अभी देख रहे हैं, यह शुणी मल्ली गांव है, जो चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक में पड़ता है। और जैसा कि आपको देखकर प्रतीत हो ही रहा होगा कि यह गांव वाकई में काफ़ी खूबसूरत है और वादियों के बीच में बसा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज यात्रा का दूसरा दिन है, और क्योंकि कल हम शाम होने पर गांव पहुंचे थे, तो सुबह हमारे आने से पहले ही ब्यासी लाटू जात यात्रा का शुभारंभ हो गया था। यात्रा सबसे पहले शुणी मल्ली गांव से नीचे आगरचट्टी आती है स्नान करने के लिए। आगरचट्टी वही जगह है जहाँ से शुणी मल्ली के लिए पैदल रास्ता शुरू होता है, या आप यह भी कह सकते हैं कि शुणी मल्ली तक पहुँचने के लिए जो आपको आखिरी रोड मिलेगी वो आगरचट्टी तक ही मिलेगी। उसके बाद आपको पैदल रास्ता तय करना पड़ेगा शुणी गांव पहुंचने के लिए। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो स्थिति है ये सिर्फ अगले कुछ महीनों के लिए ही रह गई है, क्योंकि शुणी मल्ली गांव को जोड़ने वाली रोड का कार्य निरंतर रूप से चल रहा है और आने वाले कुछ महीनों में रोड शुणी मल्ली गांव तक पहुँच जाएगी। और अब यह वह स्थान है जहाँ यात्रा स्नान करने आती है, और यह स्थान ब्यास गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, जो देखने में एक खूबसूरत झरना है जिसके निरंतर बहते हुए पानी से यात्रा स्नान करती है। तत्पश्चात यात्रा पुनः घर लौटती है। और ये जो आपने अभी वीडियो देखी, ये पिछले लाटू जात यात्रा की है, क्योंकि किसी कारणवश मैं इस यात्रा के प्रथम चरण में शामिल नहीं हो पाया था। गांव पहुंचने के बाद यात्रा खैरा खाकर मंदिर जाकर पूजा करती है, और यह जो मंदिर आप अभी देख रहे हैं, यह खैरा खाकर मंदिर है जो गाँव के एकदम बीच में स्थित है। और इसके बाद शाम को पूजा होती है, जिसकी कुछ झलकियाँ मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। आ रहा पाकियों सुना आ रहा है डॉन यू नाइट।